भाई जो 20 रुपया का पी के जो ना एकदम ओवर डोज लेके एकदम कि बिहार के मुख्यमंत्री ने शराब बंद किया तो सारे शराबियों ने मुख्यमंत्री को ही गलत साबित कर दिया। सोच रहे उनमें ये है यूनिटी का, लड़ाई करेंगे ना तो वो उसकी बहन या माँ को गाली देगा, अब वो इसकी बहन और माँ का, जबकि दोनों की बहन और माँ अपने घर में है। जनजातीय लोग थे, उनको कोई पता नहीं कहाँ की नौसेना, जहाज देख रहा कर बढ़िया जहाज ही है, अपना जहाज देख रहा लकड़ी का तेज भाग का लंबा हो लो। ये जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही विभाजन के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ा था। आप लाख कुछी को दोषी कह लीजिए, जिन्ना हो गया या कुछ भी हो गया, अगर अंग्रेज विभाजन नहीं चाहते थे तो नहीं होता। समझना क्या कि ना, हम लोग जो है ना कंजर्वेटिव सोचते हैं, जितना में हो गया उसी में सोचते रहते हैं। आप बताइए अंग्रेज कांग्रेस, पूरी पूरी बड़ी कांग्रेस, पूरी मुस्लिम लीग या पूरे वकील उस समय चाहते थे भगत सिंह को बचाना, क्या बचा पाए सब? सारे लोग चाहते थे कि विभाजन रुक जाए, क्या रुक पाए सब? नहीं। लेकिन जिन्नवा कुछ ज़्यादा ही नाचने लगा था, तो ये हुआ कि जो मुस्लिम रियासतें हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उस क्षेत्र को इजिली क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए, और इधर वाले क्षेत्र को क्या बनाया जाए, हिंदुस्तान। लेकिन शुरुआत में 1947 में ना पाकिस्तान में भी ये नियम था कि हिंदू मुस्लिम जिसको रहना है रह ले, और इंडिया में भी था जिसको रहना है रह ले। दिक्कत कब चालू हुआ, भारत अपना संविधान बहुत जल्दी बना दिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी 3 साल बहुत जल्दी संविधान बना दिया, जिस वजह से यहाँ मनवर लोग कंट्रोल में चले आए, और पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में 10 साल लग गया, जिस वजह से वहां आलतू फालतू लोग का क्या हो गया, दबदबा हो गया, और वह धीरे धीरे देश न होकर एक धार्मिक कट्टरता का अड्डा बन गया। ये सबसे बड़ी गलती हुई थी वहां पर, और जिसकी वजह से आप देखिएगा वहां अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो बड़ा मुश्किल से जिंदा रह पाएंगे, जी जाएंगे बहुत है, समझ में आ गया कि मार ये देगा सब आपको, शांति करके रख देगा। तो उसी हिसाब से आपको कश्मीर वगैरह का विवाद चलने लगा, तो लक्षद्वीप पर जिन्ना का ध्यान नहीं गया, और जैसे जिन्ना का ध्यान गया ना, उससे पहले जस्ट भेज दिए सरदार पटेल यहाँ से अपनी नौसेना। जैसे नौसेना पहुंची वहां पर, तो वहां के लोग ट्राइबल टाइप के लोग थे, जनजातीय लोग थे, उनको कोई पता नहीं कहाँ की नौसेना, जहाज देख रहा कर बढ़िया जहाज ही है, अपना जहाज देख रहा लकड़ी का तेज भाग का लंबा हो लो, ये बड़ जहाज भारत के सैनिक आए, झंडा लगा दिए, जब झंडा वंडा लगा के राष्ट्रगान हुआ, अब जनगण मन हुआ, सेना आराम करने की थी, तब तक आधा घंटा बाद पहुंच रही है पाकिस्तानी फौज कि ये तो मुस्लिम एरिया है हमारा होगा, तो सेना इंडियन आर्मी पहुंच गई थी। इंडियन आर्मी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, कभी नहीं करती, जब वहां पहुंची तो वहां कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी रहती हैं, तो इंडियन आर्मी उन लोगों की बहुत हेल्प कर रही थी, आ गई वहां से इंडियन आर्मी हेल्प की, जब इंडियन आर्मी पहुंची सब हेल्प वेल्प कर दी, तो आधा घंटा बाद कौन पहुंचा सब, पाकिस्तान, उन लोगों की काफ़ी हेल्प किया। तो भारत सरदार पटेल आए बीच में, कहेंगे एक काम कीजिए यहीं के लोगों से पूछिए किसके साथ रहोगे, कहा सब कि वो जो पहल का आया था सब वही ठीक था, तो हम ही लोग थे ना पहले, बहुत अच्छा थे सब, हे तो खाली ऐसे कह रहा है कि हमारा है, तुम्हारा है तो मदद क्यों नहीं किया तुम्हें, आप तो भारत सर का, तो वो भारत का क्या हो गया, अंग हो गया। जरा सोचिए अगर सरदार पटेल की थोड़ी सी लापरवाही हुई रहती है, इसी सब वजह से ना उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं रहती तो शायद नेहरू प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं जीत पाते, उनकी मृत्यु हो गई 1950 में और चुनाव हुआ 1951 के लास्ट में, और चुनाव खत्म हुआ 1952 में, यानी जब 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, और रहते ना तो प्रधानमंत्री नेहरू शायद चुनाव नहीं जीत पाते। उनके चुनाव जीतने का एक यह भी कारण हो गया कि जितने उस समय के फेमस लीडर थे वो सब आधा कुछ तो चल गया सब पाकिस्तान में, बहुत सारा चल गया, जो मुस्लिम में फेमस था तो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया सब वहाँ पे। दूसरा जो मतलब सरदार पटेल रहे नहीं, भगत सिंह रहे नहीं, सुभाष चंद्र बोस रहे नहीं, महात्मा गांधी रहे नहीं, तो बचा कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो उस समय जिंदा में यही फेमस थे, ये भी रीजन था चुनाव जीतने का। लेकिन आज जो ये गली छाप के इतिहासकार बन के नसीहत देते हैं कि प्रधानमंत्री ये नहीं ये रहना चाहिए, हमको सबसे उठपटांग ये लगता है जब कहता है सरदार पटेल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, बट रहने के लिए जिंदा भी रहना चाहिए, अजीब टाइप का लॉजिक देता है सब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरदार पटेल नेहरू से ज्यादा योग्य थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात हम भी बोलते हैं, क्योंकि भारत का जो नक्शा देख रहे हैं इसमें सरदार पटेल का ही योगदान है, और कृष्णा मेमन वीपी मेनन, कृष्णा मेमन तो चोर था ससुरात में,
वीपी मेनन, वीपी मेनन सही थे, कृष्णा मेनन ने तो हरा दिया चाइना की लड़ाई यहाँ पर। तो ये जगह कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। नेहरू चुनाव क्यों जीते थे? उस समय के इकलौते बचे हुए फेमस नेता वही थे। और कोई याद है आपको नेता? सरदार पटेल नहीं रहे, गांधी नहीं रहे, जिन्ना चलिए गया, रहता भी तो नहीं जीत पाता, इतना ना तांडव रचा था वहां पर। लियाकत अली वहां जाके क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, ये सब कारण था यहाँ पर। तो लक्षद्वीप अभी क्या हो गया? भारत का एक अभिन्न हिस्सा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पाकिस्तान का चला जाता तो कन्फर्म यहाँ चाइना आके बैठ जाता, बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता? और आज के मशरूमों से ये नहीं छूट पाता, कभी नहीं छूट पाता। अरे भाई, पीओके तो दूर की चीज है, अक्साई चीन अलग चीज है। यहाँ पर एक छोटा सा कोको द्वीप है जो नेहरू ने किसको दान दे दिया? म्यांमार। वो तो अभी तक नहीं है, अभी उस पे आते हैं। लक्षद्वीप समझ में आ गया? ये जगह कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा से हुआ है। किससे हुआ है? मूंगा समुद्री जीव होता है। मूंगा, मूंगा कैसा जीव होता है? समुद्री जीव, समुद्री जीव होता है। आइए, इसके खोल ना कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मूंगा का खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कोरल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोरल। तो बताइए, ये किस चीज के चट्टानों से बना है? कोरल के। ये जिंदा होते हैं, जैसे देखिए ये है ना, यही है मूंगा। इसमें कितना जब फूल टाइप का खिला, और इसमें क्या है, जब ये सूख जाएगा तो क्या बच जाएगा? चट्टान बन जाएगा। क्या बन जाता है? चट्टान। तो समुद्र का बागीचा कहा जाता है मूंगा को। कोरल बोलते हैं मूंगा या प्रवाल। ये सिलिंड्रेटा संघ के जी होते हैं। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बाहर से काफी सुंदर होते हैं, मरने के बाद केवल क्या बनता है? चट्टान। ऐसे लाखों चट्टान एक जगह मर जाएंगे तो पूरा चट्टान बन जाएगा। तो मूंगा कई सारे एक साथ मरते रहते हैं, जिस वजह से उनके हड्डियां नहीं गलती है, और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? एक द्वीप का रूप लेता है, बाहर निकल जाता है, उसमें बालू वगैरह इकट्ठा होकर चट्टान बन जाते हैं। जैसे यही है यहाँ पर। अब अंदर रेत अगर आगे पीछे होगा तो यहाँ रेत फंसेगा, तो ये थोड़ा सा ऊंचा होगा, धीरे 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 टीला कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाता है। तो बताइए, ये किस, ये चट्टान किस चीज की बने हैं? मूंगा की। और इस सारे चट्टानों का आकार लगभग इस टाइप का है, इस टाइप का, घोड़ा के नाल के जैसा। घोड़ा का पैर नीचे से होता है ना, नाल होता है, घोड़ा के नाल के आकार का। आप में से कोई अगर रात वत में चलने लगता होगा ना उठ उठ के, तो लोग उसको काला घोड़ा के नाल का क्या पहनाता है? अंगूठी। चाहे नाय के काटी का क्या पहनाता है? अंगूठी। समझ में आ गया कि नहीं? अभी गांव का एक टोटका होता है, हाँ, हमको कैसे पता है? हमारा, हमारे पता नहीं रहेगा। देखिए, या तो आप पूरा गांव घूमिए, या तो हर गांव से घूमे हुए लोगों से मिलिए। तो हमारे पास हर तरह का भांति भांति का लड़का आता है, हर गांव का आता है। जैसे तुम एक दलिदर एकदम छाटल होगा तुम, है कि नहीं? बताओ किस गांव का है? हाँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, वही नीतीश कुमार के गांव का है। बताओ यहाँ पे नालंदा में कहाँ? हाँ, चलिए बढ़िया। तो पास में क्या है तुम? तो 70 किलोमीटर बगल में है नालंदा। बिहार भी बहुत बड़ा नहीं है, कनेक्टिविटी का अभाव है, वरना बिहार को इस पार से उस पार करने में 4 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए मैक्सिमम, और उत्तर से दक्षिण जाने में 3 घंटा। ये एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है, अगर आप देखेंगे तो इतना ही लगना चाहिए, लेकिन लगता है कितना है? 10 घंटा। भागलपुर से बक्सर जाएंगे ना, 10 घंटा से कम नहीं लगे। यहाँ से बक्सर 4 घंटा लगता है, 5 घंटा, बहुत उटपटांग है। बताइए, लक्षद्वीप का आकार किसके तरह? घोड़े के नाल के समय। ट्रिबल ट्राइबल लोग हैं यहाँ पर, ज्यादातर प्रकृति प्रेमी होते हैं। ट्राइबल जितने भी आप जनजातीय क्षेत्र को देखेंगे ना, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। आप जाइएगा नागालैंड के साइड में, पेड़ और काट देंगे, मार देगा सब आपको। तो मतलब वो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। और भारत में सबसे कम क्राइम यही होता है। कहाँ पे? लक्षद्वीप। ना बराबर क्राइम है, लेकिन अब होने लगेगा। यहाँ के गवर्नर जो हैं, उन्होंने यहाँ शराब को लीगल कर दिया, ये सोच के कि लक्षद्वीप के जस्ट नीचे मालदीप एक देश है, जहाँ ढेर सारे टूरिस्ट जाते हैं, और अंग्रेज टूरिस्ट बहुत पियक्कड़ होते हैं। तो यहाँ पे जो थे इनके प्रफुल्ल पटेल को यहाँ पे गवर्नर बना के भेजा गया है, यहाँ पर प्रशासक। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे भी शराब लीगल रहेगा, लेकिन उन्होंने मालदीव से सीखा नहीं। मालदीव में क्या है कि जो बाहरी द्वीप है सब ना, वहीं पे टूरिस्ट जाते हैं, और अंदर वाले द्वीप पे क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। तो जिस पर वहाँ की पब्लिक रहती है वहाँ शराब बैन है, और जो आइलैंड टूरिस्ट के घूमने के लिए उस पर शराब लीगल है। तो यहाँ के लोगों को भी अगर पीना होता है ना, तो उसी द्वीप वहाँ पे जाते हैं।
जहाँ उस द्वीप पर जाएंगे, कमाई चालू, रहिए, रेस्टोरेंट दीजिए, ये रहिए वो रहिए, तो पैसा वाले पिएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा वाले लोग भयानक बड़का ब्रांडेड शराब पीता है सर, और उसमें वो लिमिट में रहता है सर। भाई जो 20 रुपया का पी के जो ना एकदम ओवर डोज लेके एकदम ये सब जो है बड़ी खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं सो, उसका मत पूछिए। तो यहाँ पे अब क्या है, शराब बढ़ने से क्राइम बढ़ने लगता है। शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन शराब कितना खतरनाक है सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री ने शराब बंद किया तो सारे शराबियों ने मुख्यमंत्री को ही गलत साबित कर दिया। सोच रहे उनमें, यह है यूनिटी। काश जितने मेहनत से ये शराबी अपने शराब के लिए लड़ रहे हैं, काश विद्यार्थी अपने एजुकेशन के लिए लड़ता तो आज बिहार बदल गया रहता है। यहाँ पर समझ में आ गया, नीतीश कुमार को 3 बार संशोधन करना पड़ा, जबकि उस इंसान का डिसीजन कितना बेहतरीन था। क्या कोई इंसान, वो भले शराबी क्यों ना हो, वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी शराबी बने, तो उसे कोशिश करना चाहिए शराब छोड़ें तो नियम बदल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन शराबी लोगों में ये खराबी है, वो जल्दी शराब छोड़ नहीं पाते। दिल्ली एयरपोर्ट पे हम बैठे थे, वहाँ तो लीगल है शराब, दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में, यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में, तो हाँ ज़्यादातर जगह पे। तो वहाँ पे ना एक लिखा हुआ था, आई यूज टू थिंक ड्रिंकिंग इज बैड फॉर माई हेल्थ सो आई लीव थिंकिंग। नहीं समझा? मैं ये सोचा करता था कि शराब मेरे सेहत के लिए खराब है, इसलिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया। शराब नहीं छोड़ा है, सोचना ही छोड़ दिया। यहाँ पे ऐसा ऐसा खतरनाक होता है। तो इसमें काफी ज्यादा क्या हुआ था, बवाल हुआ था यहाँ पर। दूसरा एक और डिसीजन क्या था, जितने विदेशी आते हैं, जैसे चाइना से आएगा, जापान से आएगा, या गल्फ कंट्री से आएगा, या फिर फॉरेन से, यूरोप से, वो लोग बीफ खाते हैं। चाइना वाले तो मगरमच्छ खा जाते हैं। बीफ इन द सेंस बड़े जानवर की मीट को ना क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। उसमें ऊँट भी आ जाता है, घोड़ा तो कम है ना, घोड़ों को खा जाते हैं लोग। नहीं समझ आएगा, जिसको गधा खाना है गधा खा दो, भैंस, गाय, ये सारी चीज़ें किस में चली जाती है, बड़े जानवरों की। तो यहाँ बीफ क्या था, लीगल था। और ज़्यादातर आप देखेंगे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ बीफ क्या है, बीफ दारू उन लोग का लिए चलबेज करेगा, दारू वाला सब देखेंगे ना चलेगा। तो यहाँ पे बीफ पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। जबकि मालदीव को देखिएगा ना, तो जिस द्वीप पर टूरिस्ट आते हैं उस पर बीफ भी अलाउ है और दारू भी अलाउ है, और अंदर वाले में क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जो आइलैंड पर्यटकों के लिए, उस पर कपड़े पहनने वगैरह पे कोई बैन नहीं है। आप जैसा कपड़ा पहनना है पहनिए, मन करता है तो मत पहनिए। लेकिन अगर आप अंदर आएंगे रेसिडेंशियल एरिया में, वहाँ पूरी स्टिक फॉलो करना पड़ेगा, उस देश का कल्चर, पूरा फुल आस्तीन का कपड़ा, फुल पैंट पहनना पड़ेगा। तो इनको सोचना चाहिए कि हमको मालदीव के टक्कर का बनाना है, तो उस तरह से सोचे, ऐसा ना सोचे कि पूरा कॉमन कर दे। इसलिए दोनों का पता होना जरूरी है। अब दे टूरिस्ट के लिए दारू ठीक है, लेकिन क्या जिस पे रेसिडेंशियल है उस पे दारू करना चाहिए? आज इस पे टूरिस्ट आ रहा है उसे करके भेज दो, भैया तुमको जो खाना, मगरमच्छ खाओ ससुरा, तो नहीं तुम यहाँ पे वहाँ पकड़ो मानी में से निकाल के वहीं भूज के खा जाओ तुम। चाइना वाला टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट जैसा माहौल बनाना पड़ेगा। अब जैसे कोई मगरमच्छ खाता है और आप उसके सामने कहिए मगरमच्छ खा गया, तो अगली बार आपके यहाँ नहीं घूमने आएगा। अगर वो खाता है तो उसी के कैटेगरी के आदमी को वेटर रखिए, एकदम बढ़िया खिया, ले ससुरा खो तुम यहाँ से। तो टूरिस्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन टूरिस्ट तभी आएंगे जब उनको वहाँ माहौल मिलेगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? आगे बढ़े तो ये लक्षद्वीप में क्राइम रेट सबसे कम है। अभी अल्कोहल वहाँ पे क्या कर दिया, चालू हो गया। अब बताइए क्राइम रेट कम हो पाएगा? नहीं। अब पी के सबसे पहला क्राइम घर ही से चालू करेगा, पत्नी को पीटेगा। सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है शराब पी के, क्योंकि ना ये समाज पेट्रियोटिक समाज है। यहाँ दो पुरुष भी लड़ाई करेंगे ना, तो वो उसकी बहन या माँ को गाली देगा, और वो इसकी बहन और माँ का, जबकि दोनों की बहन और माँ अपने घर में है, लड़ाई किया है सब, ये सब देखते हैं यहाँ पे। शराब ही सब तो मत पूछो भाई, इन लोग का तो एक अलग ही लेवल है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह, लक्षद्वीप। कितने द्वीप? लक्षद्वीप। ये मुख्य रूप से 36 द्वीपों से मिलकर क्या है, बना हुआ है।